चाइना से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है और पूरी दुनिया इस वायरस से लड़ने में लगी हुई है। हर अस्पताल में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिशों और मेहनत से लगे हुए हैं। वहीं कुछ लोग तो इस वीडियो में मेनली मैं आपसे बात करने वाला हूं उन कुछ पॉइंट्स के बारे में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने दिए हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है इस कोरोना वायरस से बचने के लिए। सो इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कोरोना वायरस के जो मेन सिम्टम्स हैं वो है तेज़ बुखार होना, सूखी खांसी होना और सांस लेने में तकलीफ़ होना और सिर का चकराना। तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स होते हैं तभी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वरना आपको कोरोना वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको कुछ ईजी से स्टेप्स बता रहा हूँ जिससे आप कोरोना वायरस से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने हाथ को रेगुलर बेसिस पे धोते रहें, वो भी साबुन से, और कम से कम 20 सेकंड तक आप धोएं, वो भी चलते हुए पानी में। और लोगों से कम मिलें, अगर मिलना भी पड़ रहा है तो आप कम से कम 1 मीटर का फासला लोगों से बनाए रखें। और बार बार अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें, क्योंकि आपके हाथ में ही वायरस इधर उधर से लगता है तो वो आपके मुंह पे लगेगा तो आपको परेशानी होगी, वायरस रहेगा। और जब भी आपको खांसी आ रही है या छींक आ रही है तो अपने हाथ को मुंह पर रख करके ही खांसी या छींकें, और जैसे ही मौका मिले आप हैंड सैनिटाइज़र से अपना हाथ अच्छे से धो लें। और ध्यान रहे, अगर आपको तेज़ बुखार, खांसी वो भी सूखी वाली और सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तभी आपको मेडिकल अटेंशन में जाना है, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही पैनिक ना हो और हमेशा बाहर जाने से बचें, घर पर ही रहें। वैसे ही लॉकडाउन हुआ है पूरा इंडिया इस समय हमारा, सो स्टे एट होम एंड अवॉइड ट्रैवलिंग। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। माय नेम इज़ सुरेश एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।